मेरी समस्या सारी हल हो रही है। क्या समस्या थी बता? मेरे मकान को नहीं था, घर का मकान कौन था? बन गया। अर्जी लगाने थे। जी आज तरह को है तो काम पूरा है वो जरूर। तो भाई देख लो कितने और वीडियो हैं, सैकड़ों लोगों के वीजे लग चुके हैं, यहाँ से सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। आर्यो भाई 15 दिन पहले अर्जी लगा के गया और अंधी सुन ली बाबन जी सुन ली। बृहस्पतिवार को पूछा देखी जाएगी, शुक्रवार की पूर्णिमा है, पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। शनिवार को विषय जाड़ा लगेगा सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो लगातार 3 दिन दरबार लगेगा, वीरवार शुक्रवार और शनिवार को। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े हैं शनि शक्ति धाम सीसवाड़ में और आज मंगलवार का दिन है और आपको विशेष सूचना दे देता हूं मैं, एक बहुत ही जरूरी। मंगलवार और गुरुवार को तो पूछा देखी जाती है और शनिवार को झाड़ा लगता है, लेकिन अब की बार 21 तारीख की पूर्णिमा है और शुक्रवार पड़ेगा उस दिन, तो बृहस्पतिवार को भी झाड़ा लगेगा, शुक्रवार को भी दरबार लगेगा। शुक्रवार को तो विशेष अर्जी लगती हैं, विशाल भंडारा होता है, हवन यज्ञ होता है, इस दिन की लगाई हुई अर्जी कभी खाली नहीं जाती है, झाड़ा भी विशेष होता है इस दिन का, तावीज़ दिए जाते हैं हर प्रकार के संकट व्याधि के लिए, वो भी फ्री होते हैं, यहाँ किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। और फिर अगले दिन होगा शनिवार, शनिवार को हमेशा झाड़ा लगता ही है, तो इसलिए 3 दिन लगातार शनि महाराज कृपा करेंगे आप लोगों पर, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 20, 21 और 22 लगातार 3 दिन यहाँ पर शनि शक्ति धाम में आइए और अपने संकटों का निवारण करवाइए। तो आइए मैं बात करवा देता हूँ, फिलहाल लोग बाग आए हों पूछा करवाने के लिए और इन तो सारे से पूछेंगे कि पहले आए हैं, किसी का क्यों फायदा होया है या नहीं होया है, ये बाबा बुढ़ाओ तो नहीं है, सारे ने पूछेंगे अभी कोई पकड़ तो नहीं बताओ है, आप ही नहीं रख दे किसी की, सारे बराबर अपन है, जनता अच्छी, जनता हमेशा सच बताती है और सच बात आप तक पहुँचे, बस यही मेरा प्रयास रहता है कि जनता की आवाज़ जनता तक पहुँच जाए, सच पहुँच जाए। तो आइए मैं बात कराऊँ, भाई किस तरह निवारण रुक बैठी जो बार रुकाई लेगी के कहाँ से? गुड़साल से। थे भी गुड़साल हो? अच्छा, पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार आए। अच्छा, क्या समस्या भाई? वैसे ही मैं तो पढ़ाई के लिए आई। पढ़ाई भी? हाँ। पढ़ने दे ही बालक तने? हाँ, बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रही है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात, तो अर्जी लगाई है? हाँ। पूछा भी दिखाएगी महाराज ने? हाँ, आज ही दिखाऊंगी। अच्छा, आज दिखाओगी, तो अर्जी नहीं लगाई, नौकरी मिल जाए मैंने, अच्छी बढ़िया सी पढ़ाई, बढ़िया हो जाए, पढ़ना नहीं पड़ा? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े नंबर मिल जाए, अर्जी लगाना ही है कि? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़े बिना बात कौन बने? आप? मैं तो पहली बार आई। पहली बार आई? आप पहली बार आई? पहली बार। कहाँ से आए हो? आजाद नगर से। आजाद नगर, हिसार में आजाद नगर ही होगी? हाँ। अच्छा, क्या समस्या है भाई? वो बैठी वो बता रही है समस्या, वहाँ बताओगी आई तू है? उसके साथ आ रही है, उसके से तैयारी है, उसके दौरे बैठना चाहिए, कुर्सी बैठी है, कुर्सी पर बैठी है, खराब माटी बना से तैयारियाँ, खुद कुर्सी बैठे हैं, सेती आड़ी है नीचे बिठाओ, सही तो गलत बात ये है ना? बैठे कौन जानता। तू पहली बार आई है के? ना, गाली में। आगे क्या गाली? पूरे मंदिर में। मंदिर में पहले आली? पहले दो बार आली। दो बार? हाँ, लड़के के बारे में ठीक से थोड़ा सा। क्या तकलीफ थी लड़के का? लड़के का कोई चक्कर था। चक्कर था? ठीक है। बाबन बताई थी? बाबन बता भी दी, सोन बताई वो भी कर लिए, ठीक हो गया? ठीक। जमा? ना, थोड़ा 19-20 का फर्क पूरा हो रहा है। जमा गजबरगा को नहीं आया है? गजबरगा हो जाएगा, हो जाएगा, बाबे की मेहर था। बाबे की मेहर पावांगे तो क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात, करेगा नहीं? बिल्कुल, आस्था पे, आस्था का नाम भगवान है। अच्छा, बिल्कुल सही बात आई, बैठ जा, बहुत बढ़िया। थम भाई, कहाँ से हो? सादरपुर। अच्छा, पल तो नहीं बताओ, तो अमन ने देखी डाठा क्यों मारो, मेरे बांस आवागे हैं भाई, मेरे सींग में कीड़े पड़ रहे हो देख लो, मेरा कौन, मैं जर भी जाऊँ ना सारे डाठा मार ले, कसूती बांस आओ जन है। कहाँ से हैं? सादलपुर। सादलपुर से पहली बार आए? आप? सीसवाड़ से। सीसवाड़ से सही है, सारे तेरे हैं के? तो आधे और किसे ले रखे हैं? मेरे भाई है ये। भाई के हैं? अच्छा, क्या एक बार आ ली? मैं तो गांव में रहूँ, आता ही रहूँ गांव में, रहते रहो तो न्यू बताओ, तमी गांव वाले हो, सीसवाड़ वाले, कदे और बुढ़ा के बुलाते हो कि बना भी सके बात आड़ा लोगों का, कि फायदा भी होगी? फायदा तो अभी तो आवे है, तेरे भी होया की? हाँ। क्या फायदा हुआ? डांगर पशुआ में गर्म, डांगर पशुआ में गर्म। हाँ। अर्जी लगाने थे? हाँ, अर्जी लगाने थे। बाबन की पीछे देने पड़ेंगे ना? बाबा कोई पीछा को बोल ले, पाछा मांगदा हो?
कोई कोट पैंट मांगदा हो ना की कौन मांगे कौन मांगे अच्छा चलो ठीक है बेटा तेरी मम्मी चलो बहुत बढ़िया कौन मां आए हो तुम भाई कहां से हो साथ में हूं मां अच्छा तुम भाई कहां से हो न्योली से हाँ भाई ताई तन्ना जरूर पूछूंगा कई दिन मिली है तू आज सारी बताइए इन्ना है बेटा तू इन्ना आ जा कहाँ से आप न्योली से न्योली से आंगी भाभी हूँ मैं आंगी भाभी मैं इसने के जानू हूँ तो ये भी न्योली तो बताया है तो बताऊँ मैं आंगी भाभी क्या समस्या लेके आई समस्या नंद नहीं लेके आई हूँ इनकी बार तो मेरी समस्या सारी हल हो रही है क्या समस्या थी बता मेरे मकान कौन था घर का मकान कौन था बन गया अर्जी लगाने ते भी फिर पहला बताया करया कर दे अर्जी तो इब लगाने लगी है मैं तो 11 साल ता हूं 11 साल ता बणयो जते ये तो मैं बण रहे कोन था जते आन लगी मैं तो अच्छा तो मकान बन गया तो, बड़ी नोड़ी आनते जानते रहे महाराज जी ने सिर पर धरेड़ा बोले सब कहे के ठाट हो जाएंगे सब कहे के ठाट है अच्छा बस इसका मतलब तू तो भाई पुरानी चेली बन रही पुरानी चेली चलो बहुत बढ़िया भाई गुरु जी का आशीर्वाद ही काफी होता है गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है रुद्राक्ष की माला दीएड़ी है और सिर पर धरेड़ा है बस अलग सब क्या है हो गए ठाट सब क्या है बस बहुत बढ़िया आप भी बढ़िया बता दो नाना में नहीं कहेगा के समस्या है बोल पर वो इधर बटेऊ धरे है काम भरने काम धरे है बटेऊ अच्छा और 2 साल हो गए काम लगे और मतलब की पीछा दिल्ली जो भी छोरा ने भी लेके जा उसकी पढ़ाई रुक रही है तो थोड़ा खातर ही पूछना आई भाई वो पढ़ाई आगे करेगा कौन करेगा पांचवी में ही डट रहे रुपये कमान जा रहे हैं रुपये कमान जा रहे हैं रुपये खरीदे से कौन कदे उड़े खर्च तो दे है रुपये दे से तो आप कहां से हैं बालसमंद से बालसमंद से आपका एक बराली है मैं तीसराई तीसराई की समस्या है भाई ये घर वाली समस्या है बल्कि घरवा समाज की छोड़ा भाई घर वा घर सब के घर की समस्या है जो ब्याह करवाना ही नहीं चिता ही है ना तो मोटी बात है इलाज की तो भाई क्यों फायदा होया अनत नड़े हाँ कि में तो फायदा है ताई तू बता तेरे लिए पोता आ गया ज्ञान से पोता ठीक से सही रेडी हो गया जम्मा रेडी से को नहीं आया मैं हो रेडी तो बस पोता बेटा तेरी भी इसकी डाल सारी मनोकामना पूर्ण हो पूरी होगी मेरा तो चलो आ जा भाई ले बेटा कहाँ से काबरेल काबरेल तो आप कब से आ रहे हैं मैं तो कई बार ही आ गए 5-7 बार ही आ गए की समस्या है बस खूब फायदो है सारी बात ताऊ जो सारी बात हां खूब हां खूब फायदा कोई विशेष फायदा मतलब होया हो कोई विशेष अर्जी लगा वो थाने पिछली बार बताई पेट में गांठ ठीक है अच्छा वो हो गया आप एक तो डिजाइन सब बदल रही हो कि पिछली बार बताई थी पेट में गांठ थी आप हां आई भी राजस्थानी से प्रवास है दिखाई और यहां घूंघट हटवा दियो न्यू का घूंघट में थी हां घूंघट में घूंघट क्या उगा दिया तो ठीक हो गया आपका तो बहुत बढ़िया भाई देखिए पेट में गांठ थीन गए और आज उस दिन तो घूंघट काट रही थी मैंने पिछाड़ में भी कोनी आई पिछाड़ में आई बताई है जब चलो बहुत बढ़िया भाई आप कहां से हैं हिसार से पहली बार आए हो पहली बार आप भी पहली बार आए हो डट जाए आप कड़े ताई हिसार से क्या समस्या है मेरे गोडम दर्द नस ब्लॉक हो रहे दोनों गोडम दर्द रहा कई साल से कई साल हो गए एक आधा झाड़ा लुआ है क्यों रहा? एक लगवाया जा रहा शनिवार को शनिवार ने लगवाई गई थी क्यों फर्क पड़ा कि मैं आराम होया थोड़ा बहुत हो जाएगा इसका मतलब न्यू लग गए है हो जाना चाहिए भाई एक वो थोड़ा बहुत हो गया तो विश्वास करना चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहाँ से मैं सिरसा से सिरसा से तो दूसरी बार आए हो हाँ जी दूसरी बार क्या समस्या है क्या अर्जी लाई है नहीं अर्जी लगाई डी बाबूगी जी पूरी अब दूसरा अपनी फेरी लगाना है क्या की अर्जी लगाई थी भाई भी बाहर जाने की मेरा काम हो जाए विदेश जाने की अर्जी थी हो गया काम हाँ जी कितने दिन में हो गया अर्जी लाना क्या अर्जी तो पहला तो मेरी सिस्टर लगा गई जी अच्छा और बीएम 3 महीना पहला लगा गई 15-20 दिन पहला मैं आया बिंग बाद मेरे वीजो आ गया खुद कहानता ही बात बना है हाँ जी स्वयं करो स्वयं का कष्ट स्वयं दूर करो खुद प्रयास करना पड़ता आप ही राम रटांगे तो अपना आप ही रोटी खाओगे तो अपना लगेगी दूसरा खाएगा दूसरे के लगेगी तो बहन है बहन तो देखो तकलीफ हो है इस बात की भाई मेरा सारा कामयाब हो जा बहन तो बहन वर्गा रिश्ता तो कोई ऐसा ही कौन दुनिया में इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है पवित्र सबसे रिश्ता यो है बहन चक्रोड़पति हो भाई तो भी गरीब भी लगेगा उसने वो और जमा गरीब से तो भी हमेशा सोचो ही भाई के बहन के धन कर जी हम आओगी जी भी ठीक बात है तो भाई मानते हैं आप यहाँ पर है शक्तियाँ जरूर है आप भाई पहली बार आओगे तीसरी बार आया है
अच्छा तू बताओगा तो ये सारे झूठ बोल रहे, तू सच्ची बोलेगा। अच्छा कहाँ से हैं? आर्यनगर से। आर्यनगर हिसार में ही हो गए? हाँ। अच्छा अच्छा, की समस्या है? मैं सिर दुख है जी। सिर दुख है? हाँ। और झाड़ा तो दो वाली? हाँ ये ठीक है। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। पहला झाड़ा में ठीक हो गया था? हाँ पहला में, दूसरा में ठीक हो गया। दूसरा में ठीक हो गया था? हाँ जी। तो आज तीसरा झाड़ा है? हाँ तीसरा झाड़ा। कितनी साल से दुखिया करता सिर? दो साल से। दो साल तो सिर दुखिया करता? गोली दवाई बहुत ले ली, कोई आराम को नहीं आया। अरे दूसरे झाड़ा में ठीक हो? हाँ दूसरे। कौन दुखदा कड़ा है? नाक कौन दुख है? अच्छा हाँ। क्या बात है, तो भाई देख लो चमत्कार, इसने कहे चमत्कार, क्योंकि सिर दर्द सबसे खतरनाक हो माइग्रेन का, इनका दर्द। डॉक्टर दौरे भी दवाई को नहीं, माइग्रेन का कोई इलाज को नहीं, लेकिन यहाँ पर दो झाड़े लुआर ठीक हो गया जमा? ठीक हो गया जी। दो साल से दुख पाओ था? हाँ दो साल। तो माना है बाबा सही से? हाँ सही है एकदम बढ़िया। शनिदेव महाराज ने दूध का दूध और पानी का पानी करे? हाँ, कर दिया जी। करे? हाँ करे। चलो बढ़िया। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो सीसवाड़ से हूँ। सीसवाड़ से? पहले भी मिले थे आप मेरे ख्याल में? मैं तो 10 साल हो गया। 10 साल हो गया थे? हाँ। तो तारा तो गांव से, तारा मंदिर से, तारी कमेटी? हमारा कोई मंदिर को नहीं, परमात्मा का मंदिर है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि समस्याएं लोगों की बहुत ज्यादा हैं और आते हैं बड़ी बड़ी समस्या हालों हार है। परमात्मा से मैं तो यही दुआ करता हूं कि सब भाइयों के काम हल हो, बीमारी भी कटे, कोई नौकरी का है और है, कोई व्यापार का है, सब भाइयों का हल हो। मैं तो यही शनिदेव से सबके लिए दुआ करता हूँ। मैं तो बिल्कुल करनी चाहिए और बिल्कुल होते हैं यहाँ पर भाई काम। देखो तो बिल्कुल सात्विक धाम है आपका ये। आप धाम वाले तो नहीं कहते बिसराए भी करो ना रखी मेरे को नहीं। नहीं आपका क्यों बिसराए किसी को? सबसे पहले तो किसी का बुराई करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। दूसरी बात तो मैं बिश्नोई समाज से बुराई करना वैसे ही मैं तो खिलाफ हूँ। बिल्कुल स्पष्ट कहना सुखी रहना। बिल्कुल तो इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। जिस भी भाई का मैं तो ये कहता हूँ यहाँ भी जो भी भाई है ये सब का कष्ट कटना भी चाहिए। कटता भी है। मैं तो 10-12 सालों से भाई कभी आ जाते हैं। हाँ भाई कभी आ जाते हैं, कभी इसकी मर्जी है शनिदेव। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं जी? डोबी आया जी। खारिया डोबी? हाँ। आप भी खारिया? हाँ खारिया डोबी। पहली बार आए हो गए? ना मन तो 12 महीना हो गया। 12 महीने की समस्या भाई? एक तो मैं मेरे शरीर की खाद तैयारी हूँ, मतलब बस आड़े ही आई मैं और ना कभी तो जाया करती, फिर उड़े तो मैंने कोनी समस्या मिटी, आड़े आता है मेरी समस्या मिट गई। दोनों ठीक है? दोनों बैठे। कई साल तक थी समस्या उनका या संकट वाली? संकट आई 2.5-3 साल खूब चली है। अच्छा खूब घुटिया करते? खूब घुटिया कौन करता। अच्छा मतलब यूं लड़ाई झगड़ा में? अच्छा ये बिल्कुल शांत है? बिल्कुल सहित है, ये पेंडो भी छूट गयो और बाकी सहित है सब चीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बाप वाला दर्द तो मामूली बात है बाबू खातिर एक झाड़ा में। बाबू आप ही मैट देखो, मेरे तो सिल्ली है कि भाई हाँ मेरे संकट में आई। इतना बड़ा संकट में दिया सिर का दर्द तो क्या छोटी सी बात है? छोटी सी बात है या तो मीठा ही मीठा ही जो सच्चा मन के साथ ही है ना। पहली बार आए हैं जी? पहली बार आए हो आप? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, लगाओ अर्जी। आप लोगों को शनिदेव शनि शक्ति धाम सीसवाड़ का रास्ता बता देता हूँ। ये दरबार है माताओं का, 9 की 9 देवियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। कुष्मांडा दुर्गा माता, सकंद माता, कात्यायनी जो भी हैं जितनी 9 माता हैं वो दरबार है, सच्चा दरबार है, यहाँ पर दरबार लगता है। तो शनि शक्ति धाम सीसवाड़ का रास्ता बता देता हूँ। यहाँ पर भाई 2 गांव है, एक सीसवाड़ा है एक सीसवाड़ है। तो सीसवाड़ नाम इसलिए है, न सीसवाड़ में है न काबरेल में है, ये धाम दोनों के बीच में है। तो आप हिसार आएँ, किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी स्थान से आप आएँ हिसार, हिसार हरियाणा का बहुत मशहूर ज़िला है। इशार आके आप बस स्टैंड पर जाएं, बस स्टैंड पर 12 नंबर बूथ पे बस लगती है बगड़ा बादरा वाली, उसमें बैठे और काबरेल की टिकट कटवाएं। काबरेल की टिकट कटवा के और काबरेल से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर सीसवाड़ा रोड पर, आदमपुर रोड पर शनि शक्ति धाम है। काबरेल बस स्टैंड पर किसी से पूछ सकते हैं कि शनि मंदिर में जाना है। हर शनिवार को झाड़ा लगता है, मंगलवार और वीरवार को पूछा देखी जाती है और पूर्णिमा को लगती है विशेषर्जी, जो 21 तारीख वार शुक्रवार 21 जून की है। आना न भूलिएगा, सभी संकटों का हरण करने के लिए पूर्णवासी का अति आवश्यक है। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार।
शनि शक्ति धाम में मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं हमेशा। हजारों लोग आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में, कितनी भी वीडियो पीछे हैं, कि यहाँ पर जो मांगते हैं ना वही पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही खास बात है इस धाम की। और इस धाम में बिल्कुल सात्विक धाम है, किसी तरह का कोई फंड पाखंड नहीं है। सीधी आए, मनोकामना की अर्जी लगाएं और प्राप्त करें। राम राम भाई। राम राम। कहाँ से हैं? छानी बड़ी से। छानी बड़ी से। तो ये बच्चा आपको यहीं से प्राप्त हुआ? हाँ, हाँ, हाँ। कितनी शादी, कितनी साल बाद में हुआ? चार पाँच साल बाद। पाँच साल बाद में। अच्छा, तो अर्जी लगा के गए थे, और भी मन्नत कैसे मांगी थी आपने यहाँ से? मम्मत तो संतान की प्राप्ति की मांगी थी। अच्छा, नारियल बांध के गए थे। हाँ हाँ। अच्छा, तो आज खोलने आए हो वो? हाँ हाँ। अच्छा, अर्जी लगाई, ये गुड़िया है तो भाई लक्ष्मी इनके घर में आई है। तो बहन जी खुश हैं आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये मनोकामनाएं नौकरी की, किसी भी संकट की, घरेलू संकट की, बच्चों के लिए, या पास अंक, या कोई और किसी प्रकार की कोई भी आपकी मनोकामना है, वे व्यापार नहीं चल रहा है और कुछ भी, तो एक बार अर्जी लगाएं आप। बस अर्जी लगानी है खाली, और आप एक दो शनिवार को आएं और देखना, फिर चमत्कार देखना शनि महाराज के। शनि महाराज तो भाई बिल्कुल न्याय के देवता हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो मैं गुरु जी से पूछ लेता हूँ दो लगे हाथ दो बातें। तो गुरु जी, अब की बार पूर्णिमा को भी कोई 21 को मना रहा है, कोई 22 को मना रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है, दो है कि एक है। तो हम यहाँ शनि शक्ति धाम में पूर्णिमा किस तारीख की मना रहे हैं बताएं कृपया। देखिए, शनि धाम की स्थापना अप्रैल 2010 में हुई थी। जब से यहाँ पर जाड़े लगाए जाते हैं, विशेष मनोकामनाओं के लिए हर पूर्णिमा के दिन विशेष सिद्ध के ताबीज दिए जाते हैं। आने वाली 21 तारीख को, 21 जून 2024 वार शुक्रवार को शनि शक्ति धाम सीसवाल में पूर्णिमा का प्रोग्राम आयोजन होगा, जो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। तो बृहस्पतिवार को आने वाला, जैसे बृहस्पतिवार को पूछा देखते हैं, और शनिवार को अपना परमानेंट है जाड़ा, तो फिर तो 3 दिन का प्रोग्राम होगा लगातार। हाँ जी। तो बहुत खुशी की बात है भाई, या देखिए भक्तों के लिए इतनी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि 3 दिन में आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे एक ही जगह पर। 3 दिन लगातार दरबार लगेगा। वीरवार को शुरू, वीरवार को लगता है पूछा के लिए, तो वीरवार को पूछा दिखाइए आप। शुक्रवार को देखिए पूर्णिमा है, तो उस दिन यहाँ पर विशेष अर्जी लगती है पूर्णिमा को। पूर्णिमा को लगाई हुई अर्जी कभी निष्फल नहीं जाती है। और उस दिन हवन यज्ञ होता है, एक नारियल उसके अंदर हवन यज्ञ के अंदर गुरुजी डलवाते हैं यहीं से अभिमंत्रित करके, तो आपके घर के संकट कलह कलेश दूर होते हैं। और दो नारियल बांधे जाते हैं, एक बालाजी को और एक शनि महाराज को पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन झाड़ा लगता है, विशेष झाड़ा लगता है। उस झाड़े का भी बहुत महत्व है और अर्जी का भी बहुत महत्व है। इस दिन का कोई चीज़ खाली नहीं जाती। अगले दिन फिर शनिवार है, और शनिवार को झाड़ा हमेशा लगता ही है, हर शनिवार को। तो इसलिए 3 दिन आइए, अब 3 दिन लगातार शनि महाराज के चरणों में अर्पित कीजिए, अपने पाप को समर्पित कीजिए और मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करवाइए। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और किसी व्यक्ति के पास पहुँचे, दुखी व्यक्ति के पास पहुँचे, तो वो अपना भला करवा सके, अपने दुख संकटों का निवारण यहाँ पर करवा सके। और भंडारा हमेशा चलता रहता है, पूर्णिमा का भंडारा तो विशेष होता है, बहुत ही मज़ेदार भंडारा होता है वहाँ पर, बहुत गजब का भंडारा लगता है पूर्णिमा का। तो लेकिन भंडारा हमेशा ही चलता रहता है, भोजन इत्यादि का पूरा प्रबंध है, बाहर से आए यात्रियों के लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर रुकने की, नहाने की, धोने की, खाने की सब व्यवस्था है, और निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता इन चीज़ों का। आप अपनी मर्जी से दान पात्र में जो भी डालिए वो स्वीकार्य है, बाकी किसी से कोई फीस, कोई चार्ज यहाँ पर रहने का, खाने पीने का नहीं लिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद।